नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र यादव और आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि रिलेटेड है इनकम टैक्स से। दोस्तों, कई बार हम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो एम्प्लॉयर के द्वारा हमको जो 16 नंबर फॉर्म मिलता है तथा जो 26 AS में जो डिटेल होती है वो कि मिसमैच हो जाती है। वो मिसमैच होने से वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आपका फॉर्म देखता है तो जो 26 AS में जो आपकी इनकम होती है और जो 16 नंबर फॉर्म के द्वारा जो आपने ग्रॉस इनकम देख के जो भरी है वो मिसमैच हो जाती है। मिसमैच होने से वहाँ पे आपका रिफंड क्रिएट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि आपको एक नोटिस भेजेगी, तो नोटिस भेजने के बाद में उसको आपको या तो बोलेगी कि आपका ये जो रिफंड है वो आपने बिल्कुल ठीक किया है तो आप उसको ओके करो, और अगर आपने उसको रिफंड को आप ओके नहीं बोल रहे हैं तो आप उसको रिवाइज करो। तो उसी प्रकार का एक नोटिस मेरे पास आया है जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ कि उस नोटिस को आप कैसे रिप्लाई करेंगे ताकि आपका रिफंड आपको मिलने में प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने मोबाइल में गूगल में जाके ITR खोलेंगे। ITR पोर्टल खुल जाएगा, इसमें इनकम टैक्स फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में इसमें लॉगिन कर लेंगे, हमारे ID और पासवर्ड से लॉगिन कर देंगे, जिसमें लॉगिन करने के लिए पैन नंबर और पासवर्ड डाल देंगे। यहाँ पे ये मैंने पैन नंबर डाल दिया है, इसके बाद मैंने कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेव किया हुआ है, ये मैंने पासवर्ड डाल के कंटिन्यू कर दिया है, ये लॉगिन हो गया। तो अब हम यहाँ पे इसमें मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में जाने के बाद में हम देखेंगे इसमें पेंडिंग एक्शन में, और पेंडिंग एक्शन में ये नोटिस हमको मिलेगा वर्क लिस्ट में। वर्क लिस्ट में तो दोस्तों, ये मैंने पहले इनकम टैक्स भर दिया था जिसमें मेरा 16 नंबर फॉर्म में जो ग्रॉस इनकम था और जो 26 AS फॉर्म था उन दोनों का मेरा टोटल मैच नहीं हो रहा था, जिसके बाद में इनकम टैक्स रिटर्न द्वारा आज मुझे नोटिस मिला है 2-3 दिन पहले, जो कि मैंने आज देखा था, मुझे मेल मिला था। तो ये नोटिस के द्वारा अब मुझे ये देखना है कि मुझे क्या करना है। तो मुझे ये मेरा जो ITR फाइल किया था ये ठीक लग रहा था, तो मैंने इसको यहीं की यहीं इसको सबमिट कर दिया। इसमें पहले वाला ऑप्शन है द क्लेम ऑफ रिफंड इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। तो दोस्तों, मुझे ये जो मैंने रिटर्न फाइल किया था मुझे ठीक लग रहा था, इसलिए मैंने उस पर क्लिक कर दिया और इसको रिस्पॉन्स को सबमिट कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा जो रिटर्न फाइल किया है वो ठीक नहीं है तो आप इसको दूसरे वाले ऑप्शन पे टिक कर सकते हो। दूसरे वाला ऑप्शन है कि रिटर्न ऑफ इनकम इज़ बीइंग रिवाइज्ड, मतलब आप उसको रिवाइज करना। तो दोस्तों, अब मैं इसको यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा, और जैसे ये सबमिट होगा तो मेरा ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन ID मुझे नंबर मिल गया है। तो इस तरह से ये मेरा रेस्पॉन्स सबमिट हो गया है। तो अब इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको वापस से देखेगा, उसके बाद में मेरा रिफंड इशू होगा। दोस्तों, ये नोटिस मुझे 29 जनवरी को मिला था, जिसका रेस्पॉन्स मैंने 1 फरवरी को फाइल किया है। तो अब इसका देखते हैं आगे क्या रेस्पॉन्स आता है। अगर कोई स्पेशल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो था जो कि अपनी ग्रॉस इनकम जो मैच नहीं हो रही थी 26 AS और 16 नंबर फॉर्म में। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।